हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राय व्यवस्था से चैप्टर नंबर 62। देखिए, यहां पर आज हम लोग जो हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के बारे में जानेंगे। यानी इसका गठन क्यों किया गया, इसका क्या क्या उद्देश्य था गठन करने का, और वर्तमान में इसका कार्यक्षेत्र क्या है, यानी कहाँ कहाँ अपना ये डीलिंग कर रहा है, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या नोट डाउन करना है और क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप लोगों को जो है डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सीरीज मिलती है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर जो है यानी एक या दो दिन के अंदर अंदर आपको इस वीडियो के या दो दिन के बाद यहाँ पे 50 प्रश्नों की डेली श्रृंखला भी आपको मिला करेगी, जो किसी एक दिवसीय एग्जाम के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। यानी यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज के रूप में एक किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए डेली 50 प्रश्नों की श्रृंखला, चाहे वो GK से रिलेटेड हो, यानी कि आपके जिसमें EBS हो, जियोग्राफी, यानी विभिन्न सब्जेक्टों का मिक्सचर जो होगा वो आपके सामने लेके आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक बात कर लेते हैं NIA की। देखिए, NIA की स्थापना जो हुई थी वो आपके जब 2008 में मुंबई हमले हुए थे, जिसके बाद हमारा पूरा भारत हिल गया था। ठीक है, 26/11 के हमले के नाम से मशहूर है। तो इसके बाद ऐसी कोई संस्था का गठन करने का ख्याल आया कि जो केवल और केवल आतंकवाद के लिए डेडिकेटेड हो, यानी आतंकवादी गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को देखने के लिए कि भाई कहाँ कहाँ संचालित हो रही है, कहाँ कहाँ इनकी प्लानिंग करने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए ऐसी संस्था बनाने के लिए हमारे यहाँ सबसे पहले यही जो है 2008 के हमलों के बाद ख्याल आया। ठीक है, तो NIA की जो स्थापना हुई वो सन 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम यानी 2008 के NIA एक्ट 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई। और ये देश की जो थी पहली यानी केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, यानी पहली तो नहीं बोल सकता हूं, यानी कि ये देश में अपनी आप में एक यानी पूरी तरह से जो आतंकवाद को रोकने के लिए डेडिकेटेड एजेंसी के रूप में उभर के आई। ठीक है, स्थापना की पृष्ठभूमि थी वो मुंबई अटैक के बाद ही हुई थी, तो ये भी इसमें लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। यानी आपने पहला पॉइंट और पहले के दोनों सब पॉइंट नोट कर लिए होंगे। देखिए, वर्तमान में जो NIA का मुख्यालय है वो दिल्ली में है। इसके कुछ अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जैसे यहाँ पे हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, मुंबई में है, लखनऊ में है, कोच्चि में है, कोलकाता, जम्मू, रायपुर में इसके शाखा कार्यालय हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो NIA है यानी कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये एक विशेष कोषांग सेल भी है, यानी TFFC सेल भी है, जो कि जाली मुद्रा और आतंकी वित्त पोषण जो होता है इससे संबंधित मामले देखता है। TFFC का मतलब क्या है? TFFC का मतलब है पहला तो मतलब टेरर फंडिंग, और आगे इसमें FC का मतलब हो गया फेक करेंसी यानी जाली मुद्रा। यानी आगे तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी से संबंधित ये जो है यहाँ पर बनाया गया, इसमें ये भी इसमें ऐड कर दिया गया सेल। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना कि NIA का एक अलग से एक सेल भी है जिसे हम TFFC सेल कहते हैं, जो कि जाली मुद्रा और आतंकी फंडिंग जो होती है इससे संबंधित मामले देखता है। ठीक है, देखिए NIA को यहाँ पर हमने एक महानिदेशक के अधीन जो है ये कार्य करता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। देखिए, महानिदेशक जो होता है वो राज्य पुलिस महानिदेशक की तरह ही इसे शक्तियां प्राप्त होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि IPS रैंक का ही ऑफिसर जो होता है वो महानिदेशक के लिए नियुक्त किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए NIA जो है वो आपके गृह मंत्रालय के अधीन आता है और भारत सरकार का प्रशासकीय नियंत्रण में ये कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके 5 पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे NIA के बारे में, कॉमन बात है। अब देखिए, इसके गठन का यानी कि इसके NIA का बनाने का औचित्य क्या हुआ, यानी क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, तो जब NIA की स्थापना के लिए सरकार ने संसद में विधेयक प्रस्तुत किया, तो उसने कुछ चीज़ों को यहाँ पर कहा था कि जिसके लिए हम कारण बताए थे, जिसकी वजह से NIA हमें लाना था यहाँ पर। पहला कारण यह था कि भाई सीमा पार जो प्रायोजित गतिविधियां हो रही थी, यानी कि हमारे यहाँ जैसे आप देखते होंगे कि पाकिस्तान जैसा एक भूखा नंगा देश वो हमेशा हमें बिटाने की सोचता रहता है। उसे यही लगता है कि हम भारत पर कब हम हमला करेंगे, कब हम जम्मू कश्मीर छीन लेंगे, यानी कि उसके दिमाग में बस वही चलता है, एक ही यही खुरापा चलती रहती है, अपना विकास तो करना नहीं है, बस भारत में कैसे भी करके हमें भारत के लोगों को परेशान करना है, उसका यही यानी मकसद रहता है हमेशा। तो पाकिस्तान ही ना हो, पाकिस्तान ने हर जगह अपने जो शाखाएं तमाम जगह खोल रखी हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती ये थी सीमा पार जो प्रायोजित गतिविधियां हो रही हैं, आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें कैसे, उनका सीमांकन कैसे किया जाए, उन्हें कैसे आइडेंटिफाइड किया जाए। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ये निकल के आ रही है इसमें, अगली बात ये थी कि बड़ी संख्या में ऐसी वारदातें भी शामिल थी जो कि अंतरप्रांतीय यानी एक राज्य से दूसरे राज्य तक या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबद्ध थी। ठीक है, उनको रोकने की कैसे हम पहल कर सकें, जैसे मान लीजिए ड्रग की तस्करी हो रही है, नस्ली दवाओं की तस्करी हो रही है और
फेक करेंसी का जो है, जो फेक करेंसी का आदान प्रदान हो रहा है। आपने देखा होगा कि हथियार वगैरह आप देखते होंगे कि हथियारों की तस्करी वगैरह, जो नक्सल एरिया है, नक्सल एरिया में हथियारों की तस्करी हो रही है, ठीक है। तो उन सबको लेकर सरकार ने ये यहाँ पर यानी इन्हें रोकने के उद्देश्य से इसका गठन करने का फैसला लिया NIA का, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर इसमें चुनिंदा पॉइंट लिख लेना औचित्य में, ठीक है। सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद, ठीक है, ये लिख लेना ऐसे करके पॉइंट, यानी पूरा मत लिखना, यहाँ पे जो अंडरलाइन कर दिया वो उसे उसे लिख लेना, तो आप समझ जाएंगे कि किस किस के लिए यहाँ पे इसका औचित्य था लिखने का, ठीक है। यानी फिर यहाँ पे अगला लिख लेना कि यहाँ पर कि अंतरप्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय संबद्धताएं, यानी अंतरप्रांतीय और अंतर्राष्ट्रीय जुड़े मामले, ठीक है, जैसे हथियारों, यानी हथियारों की सप्लाई, असली दवाओं की तस्करी, यानी फेक करेंसी आदि का प्रसार, ठीक है। तो ऐसे करके शॉर्ट रूप में लिख लेना तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए NIA की जो स्थापना का उद्देश्य था, इसका यहाँ पर एक समिति बनी थी बाद में, जिसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कहा गया। आपने कल के अध्याय में पढ़ा था कि जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने अपनी जो कार्य किया था वो किया था 1966 से लेकर, यानी 1966 से लेकर 1970 तक अपना जो है कार्य किया था, ठीक है, यानी 1966 से 70 के मध्य से कार्य किया था। द्वितीय प्रशासनिक आयोग जो था ये 2005 में, यानी 2005 में ये बनके तैयार हुआ है, ठीक है। अध्यक्षता इसकी की थी बीरप्पा मोइली ने, यानी नाम है एक व्यक्ति का बीरप्पा मोइली, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। और इसने 2005 से लेकर 2009 तक इसने अपना जो है कार्य किया था। और इसने भी अनुशंसा की थी कि आतंकवाद को स्पेशली टारगेट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए हमें एक एजेंसी बनाने की जरूरत है जो केवल और केवल आतंकवाद की गतिविधियों को, प्रायोजित गतिविधियों पर नजर रख सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना चौथा पॉइंट कि विशेषज्ञ समितियों द्वारा था यहाँ पर ये आयोग जो है, ठीक है। तो इसने भी इसकी अनिवार्यता की यहाँ पर बताई थी, यहाँ पर जरूरत बताई थी कि अनिवार्यता है हमारे लिए NIA का गठन करने की अनिवार्यता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए NIA की स्थापना के लिए एक यहाँ पर एक प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। इसमें क्या किया गया है कि संवर्ती सूची के अंतर्गत क्षेत्राधिकार इसमें रखा गया है। संवर्ती का मतलब क्या होता है, क्योंकि तमाम विषय ऐसे होते हैं, तमाम ऐसे चीज़ें जो होती हैं वो राज्यों में भी घटित होती हैं, यानी कि राज्यों के अंतर्गत भी तमाम आतंकवादी गतिविधियां घटित होती हैं, तमाम विध्वंसकारी गतिविधियां घटित होती हैं। जैसे आपने देखा होगा नक्सल एरिया वाला आतंकवाद है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए नक्सल जो आतंकवाद जैसी जो मुद्दे हैं वो अगर केवल और केवल राज्य सूची में डाल दिए जाएंगे तो बाकी में केंद्र सरकार उन पर एक्शन नहीं ले पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने संवर्ती सूची में रखा है। संवर्ती सूची में रखने का इसके जो कार्यक्षेत्र को संवर्ती सूची में रखने का मतलब यही था कि ऐसी गतिविधियाँ जो राज्यों में घटित हो रही थी तो उन्हें ये जो है उनको देख सकें, उनको मॉनिटर कर सकें और उनको रोकने के लिए समुचित प्रयास कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका जो कार्यक्षेत्र है यानी क्षेत्राधिकार जो है यहाँ पर संवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब देखिए इसके कार्यों के बारे में बताया गया है, कार्य किस तरह से करता है। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है केंद्र और राज्य स्तर पर सहायक आसूचना खुफिया एजेंसी के साथ इनपुट भी साझा करता है। क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि जब तक हम जो हैं हमारे राज्यों के साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय अच्छा नहीं होगा तब तक हम आतंकवाद जैसी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगा पाएंगे। तो जरूरी यह है कि हम अपने राज्यों को भी यानी अपने राज्यों को भी फेवर करने के लिए बोलें। जैसे आपने देखा होगा कि किसी समय तक जम्मू एंड कश्मीर जो था वो केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाता था। इसी वजह से वहाँ पर क्या था कि हमारे यहाँ जो तमाम बहुत सारी जो नीतियाँ थी वो फ्लॉप हो रही थी, वहाँ पर तमाम आतंकवाद जैसी गतिविधियाँ थी वहाँ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर विधेयक हम नया लेके आए सन 2019 में, इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को हमने तोड़ दिया, विभक्त कर दिया और पूरा नियंत्रण हमने केंद्र के अधीन ले लिया, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हुआ, वहाँ पर एक तो वहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा था यानी प्रशासनिक ढांचा भी केंद्र सरकार के अधीन आ गया, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर जो वहाँ के जो मंत्री वगैरह थे यहाँ जो कि आतंकवाद में मोस्टली संलिप्त थे उनको हमने वहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया, उनको हमने टारगेट करके उनको जो है बिल्कुल रास्ते से अलग हटा दिया। तो ऐसे करके बहुत हद तक हमने जम्मू एंड कश्मीर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। आपने वर्तमान में ही ये गतिविधियाँ घटित हुई हैं, आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो जब तक हमारे लिए जो राज्य हैं वो हमसे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो यकीन मानिए तब तक हम लोग किसी भी जो है यानी कोई भी चीज़ सही अपराधी क्यों ना हो, ठीक है, तो उस पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। तो जरूरी है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि NIA कानून की अनुसूची में वर्णित कृत्यों की जांच और अभियोग दायर करना, ठीक है, यानी NIA कानून जो है इसके तहत इसमें जो जो कृत्यों के लिए यहाँ पर बताया गया कैसे कैसे कृत्यों के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है तो वो ये दायर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की आसूचना एवं जाँच एजेंसियों को सहयोग करना एवं उनसे सहयोग लेना, यानी राज्य स्तर पर भी खुफिया एजेंसियाँ कार्यरत होती हैं तो उनका सहयोग करना, उनसे सहयोग लेना, ठीक है। इसके अलावा NIA कानून के त्वरित एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जरूरी और अन्य उपाय करना, ये तो करता ही करता है। तो ये दो पॉइंट जो हैं ये मेन हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसकी देखिए दृष्टि बताई गई है, दृष्टि क्या है, विजन क्या है और लक्ष्य क्या है, ये सब बातें आप सब जानते हैं, यानी ये तो आप आराम से पढ़ लेना। यहाँ पे मैं थोड़ा एक पॉज कर दे रहा हूँ, आराम से पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है।
आराम से आप पढ़ लेना, लक्ष्य क्या है, यानी कि ये भी लक्ष्य आप जानते हैं ऑलरेडी कि हमारे पास पेशेवर लोग होने चाहिए जिनके जरिए हम इन्हें रोक सकें, ठीक है, ऐसे करके इनके लक्ष्य हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि दृष्टि क्या है, विजन क्या है, कि भविष्य में हम एक ऐसा डेटाबेस तैयार करें, ठीक है, यानी कि आतंकवाद से संबंधित समस्त सूचनाओं के भंडारगृह के रूप में विकसित होना। इसका मतलब ये है, आपने देखा होगा तमाम आप हॉलीवुड वगैरह की मूवियाँ देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, अमेरिका क्या करता है कि वो जैसे कोई आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा कोई गतिविधि संचालित की गई या कोई गतिविधि उसके द्वारा सक्रिय देखी गई, तो क्या करता है, वो तुरंत उनका डेटाबेस निकल के आ जाता है कि हाँ भाई ये फलाना व्यक्ति फलाने देश से बिलोंग करता है, इसका नाम ये है, ये पूर्व में ये अपराध में संलिप्त पाया गया है, ठीक है। तो तत्काल वो उसी व्यक्ति को एकदम टारगेट करने लगते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि भारत में क्या कर रहा है कि भारत को, यानी अपने यहाँ आतंकवाद हो रहा है, हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जो विदेशों में अन्य जगहों पर आतंकवाद की घटनाएं वगैरह घटित हो रही हैं, संबंधित व्यक्ति जिनके नाम बाहर निकल के आ रहे हैं उनका भी एक डेटाबेस तैयार करना हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जब आतंकवादी गतिविधियां घटित होती हैं, जरूरी नहीं है कोई अमेरिका वाला आतंकवादी हो, अपने यहाँ ना आ सकता हो, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल अपने यहाँ भी गतिविधियां संचालित करवा सकता है। तो ऐसे लोगों का हमें डेटा तैयार करना है वर्ल्ड वाइड, जो कि आतंकवाद या विध्वंसकारी गतिविधियों से संलिप्त हैं, ठीक है, ताकि भविष्य में किसी भी खतरे की आशंका को देखते हुए हम तत्काल समुचित प्रयास कर सकें, समुचित एक्शन ले सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लक्ष्य देखिए, लक्ष्य भी वही है कि हमें पेशेवर संगठन बनाना है, हम लोग कैसे कार्य करेंगे, ठीक है, कौन कौन से व्यक्ति हमारे, वही सब बताया गया है, पेशेवर कार्यबल तैयार करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अब मेन चीज जो आती है आपकी वो देखते हैं अधिकार क्षेत्र। देखिए यहाँ ये पढ़ लेना खुद, ये उसमें कुछ नहीं है, ये इसके अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो क्षेत्राधिकार है वो कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, यानी समवर्ती में रखने का रीजन ये था कि राज्य और जो देश की सुरक्षा है वो अलग अलग नहीं होती है, क्योंकि राज्य जो है वो एक यानी कि केंद्र का ही अंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राज्य भाई अलग चले, अपना मनमानी अपनी चलाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो कॉन्करेंट पर रखा गया, यानी राज्य से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे वो सब ये हैंडल करेगा, यानी राज्यों में जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं तो उन सब गतिविधियों को टारगेट करना है, उनको फोकस करके उन्हें आइडेंटिफाइड करके उन्हें रोकने का जो प्रयास होगा वो सब यही करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो आपके जो जो इंटरनेशनल लेवल पर कन्वेंशन वगैरह होते हैं आतंकवाद को निरोधक करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, ठीक है, या फिर यानी कि यूएसए की जो एजेंसियों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा जो अभिसमय कर किए गए हैं, ठीक है, कन्वेंशंस हैं, तो उन प्रस्तावों का पालन करने के लिए, ठीक है, कानून वगैरह जो बनाए गए हैं तो उनके तहत इसे जो है अधिकार प्राप्त हुए हैं एनआईए को, ठीक है, यानी इन सब कन्वेंशनों के तहत कैसे कैसे अधिकार इनमें बने हुए हैं, कैसे कैसे आपकी जो एजेंसी कार्य करेगी, तो वो सब अधिकार एनआईए को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये दो जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि एनआईए आतंकी हमले जिसमें बम विस्फोट हो, विमान और जहाज का बल्लानयन मतलब हाईजैक वगैरह हो, या फिर जो परमाणु रिएक्टर है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है जहाँ से बिजली वगैरह का उत्पादन वगैरह होता है, ठीक है। देखिए परमाणु रिएक्टरों पर क्यों रखा गया है इसके दायरे में, रीजन ये होता है कि मान लीजिए कोई विध्वंसकारी मानसिकता वाला व्यक्ति जो है परमाणु रिएक्टर पर अटैक कर देता है, वहां पर तो बहुत सारा यूरेनियम होता है, वो यूरेनियम चुराकर या फिर यूरेनियम निकालकर वहां से किसी ऐसे संगठन के हाथ में सौंप दे जो कि जिसके पास परमाणु बम बनाने की तकनीक हो, तो वो बाकी में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो सबसे बड़ी बात है परमाणु संयंत्रों को भी इसमें रखा गया है। दूसरी बात यह है परमाणु संयंत्रों वगैरह को रखने का एक और रीजन ये है कि मान लीजिए परमाणु संयंत्र के भीतर आपने किसी भी तरह की कोई गतिविधि संचालित कर दी, मान लीजिए कोई विस्फोट वगैरह कर दिया, इसके जरिए क्या हुआ कि वहां से रेडिएशन फैल गया, ठीक है, तो रेडिएशन अगर फैल जाएगा वातावरण में तो यकीन मानिए उससे लाखों लोग मरेंगे, लाखों लोगों को प्रभावित करेगा। तो परमाणु संयंत्रों वगैरह पे हमले हैं, नरसंहार के शस्त्रों का उपयोग वगैरह जैसे है, चाहे वो केमिकल वेपन हो या कोई भी और वेपन हो, ठीक है, तो इसकी जांच के लिए अधिकृत और शक्तिमत है, यानी इसकी जांच के लिए इसकी पावर दी गई है और इसके बाद शक्ति भी है, ठीक है। तो ये लिख लेना आप और ऊपर वाले ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। ये पहली बार क्षेत्राधिकार समवर्ती सूची में रखा गया है और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते अब समय जो हुए हैं इनसे इन्हें क्या मिला है, इसके अधिकार एनआईए को अधिकार प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरी बात यह है 2019 में यहाँ पर हमने जो एनआईए था यानी कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट जो था इसमें संशोधन किया है, ठीक है, अधिनियम में संशोधन किया है और संशोधन करके यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी जोड़ी हैं, जैसे यहाँ पर एनआईए मानव तस्करी देखेगा, यानी कि जो मानव तस्करी वगैरह होती है, नकली मुद्रा या फिर बैंक नोट निषिद्ध हथियार, ठीक है, का निर्माण, यानी कि जो हथियार ऐसे हथियार हैं जो मतलब ऑटोमेटिक गन्स वगैरह हैं जो कि केवल आर्मी वगैरह के लिए या फिर जो विशेष पुलिस बल वगैरह हैं उनके लिए ही केवल मान्य है, लेकिन
जनता के लिए मान्य नहीं है, उनकी निर्माण वगैरह हो रहा है, बिक्री वगैरह हो रही है, ठीक है, तो इन्हें इन पर अंकुश लगाना। साथ ही साथ अभी वर्तमान में आपने देख रहा होगा कि साइबर आतंकवाद भी एक विशेष आतंकवाद के रूप में निकल के बाहर आया है। कि साइबर आतंकवाद आज देख रहे होंगे आप कि किस तरह से फेक न्यूज के माध्यम से या फिर ऐसी भ्रामक न्यूज के माध्यम से दंगे भड़काने की साजिश करवाई जाती है, ठीक है, तमाम तरह पर, तमाम जगहों पर जो है विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, लोगों को जो है भ्रामक जानकारी से जो है ग्रसित करने के लिए ये सब गतिविधियां संचालित की जाती है। तो इन पर अंकुश लगाना, ये साइबर आतंकवादी इसके श्रेणी में रख दिया गया है। विस्फोटक सामग्री संबंधी मामलों की जांच भी कर सकता है ये, तो ये आप लिख लेना, ठीक है। तो यहां पे ये विस्तारित इनको उन्होंने किया है। अब देखते हैं जो एनआईए संशोधन अधिनियम सन 2019 है इसमें क्या क्या कर की रखा गया है, ठीक है। देखिए पहली बात ये था कि इसके द्वारा क्या है, एनआईए कानून प्रावधानों को व्यक्तियों तक विस्तारित और लागू कर दिया गया है, ठीक है, जो अनुसूचित अपराध भारतीय नागरिकों के विरुद्ध करते हैं अथवा भारत के हितों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पहले क्या था, पहले जो एनआईए की जो सूचित वगैरह थी उसमें केवल और केवल आतंकवादी संगठनों वगैरह को रखा गया था, ठीक है, यानी कि आतंकवादी संगठन वगैरह हैं या उससे जुड़े हुए व्यक्ति थे वही शामिल थे। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी आम व्यक्ति जो कि इस तरह के जो इस तरह की गतिविधियां संचालित करेगा, यानी नकली मुद्रा का संचालन करेगा, मानव तस्करी वगैरह करेगा, तो वो सब इसी के दायरे में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब ये व्यक्तियों तक पहुंचा दिया गया है, यानी भारत का मान लीजिए हर व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति भारत का हो और जो कि इस तरह के आतंकवाद में संलिप्त पाया जाता है तो एक तरह के आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है वो, ठीक है, एक तरह की वो आतंक टेररिस्ट टेरर एक्टिविटी ही मानी जाएगी वो, ठीक है। या साइबर आतंक यानी साइबर की घर से रिलेटेड घटनाएं हैं, चाहे आप मान लीजिए फर्जी तरीके से पैसा का आदान प्रदान कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो सब साइबर आतंकवाद की श्रेणी में ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तियों तक विस्तारित कर दिया है, तो यहाँ पर यही बताया गया है, ठीक है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो है भारत के हितों को प्रभावित करने वाला है तो वो भी इसके सूची में अनुसूचित कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अपराध के अन्वेषण के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए ना केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबरी अधिकार प्राप्त होंगे, यानी इन्हें सारे अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार का जो अधिकार ये होगा कि वह भारत के बाहर किए गए किसी अपराध के मामले में अन्वेषण के लिए एनआईए को मामला दर्ज करने के लिए उसी प्रकार कह सकती है जैसा कि अपराध देश के अंदर हुआ हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई संस्था, आपने देखा होगा कि आतंकवादी हमले के होने के बाद जिम्मेदारी लेती है कि भाई हम इस हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं, बैठे अफगानिस्तान में हैं, पाकिस्तान में बैठे, हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो भारत केंद्र सरकार ने एनआईए को शक्ति दी है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई संगठन है ये कहता है तो आप उस पर अभियोग दायर कर सकते हैं। ऐसा अभियोग इसलिए दायर कर सकते हैं, ये यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि वो व्यक्ति यहाँ से बिलोंग नहीं करता है, अपने देश से बिलोंग नहीं करता है या फिर बाहर से देश के बिलोंग करता है, ठीक है, आप अभियोग वहाँ पर दायर कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा भी गया है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें एनआईए कानून के अंतर्गत अपराध के मुकदमों के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित कर सकती हैं, यानी सेशनल कोर्ट वगैरह होती हैं, इन्हें विशेष कोर्ट के रूप में, स्पेशल कोर्ट बोल सकते हैं, इनके रूप में भी नामित किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका जो एनआईए संशोधन अधिनियम सन 2019 आया है इसमें लिखी गई हैं, और नए जो नए अपराधों को जोड़ना ये तो आपने पढ़ ही लिया, ऊपर लिख भी लिया है पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे करके ये था आज आपका चैप्टर, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के पास अब ज़्यादा नहीं बचा है कंटेंट, अब आपके मुश्किल से जो चैप्टर बचे हुए हैं 18 चैप्टर बचे हुए हैं, लगभग 10 से 12 दिनों में हमारे वो फिनिश हो जाएंगे वो वाले चैप्टर भी, ठीक है, यानी इस अध्याय के 10 से 12 दिनों में चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। देखिए अब आगे के जो चैप्टर हैं मोस्टली वो यूपीएससी मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी प्रीलिम्स के लिए उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ उस पर स्पष्टली। और हम लगभग जो है हमने यानी कि 2 से 3 महीने में लगे तो टाइम तो जरूर लगा, लेकिन हमने अपनी बुक समाप्त कर दी, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, ठीक है, यानी आपने एक प्रॉपर वे में पूरी बुक यहाँ पे आप कवर कर ली है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमें आगे क्या कवर करवाना है, आई होप आप लोग जुड़े रहिए, साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।